1930 में भारत में गांधी जी के लीडरशिप में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। इन्हीं दिनों भारत में एक ऐसे नेता भी उभर रहे थे जिनका मानना था कि ब्रिटिश को भारत से मार के भगाना पड़ेगा, वो नॉन वायलेंट तरीकों से नहीं समझेंगे। ये कहना था हमारे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का, जिन्हें दुनिया नेताजी के नाम से बुलाती है। एक तरफ गांधी जी कहते थे कि मैं ब्रिटिश से भारत की आजादी अहिंसा पूर्वक मांग लूंगा, लेकिन वही नेताजी का मानना था कि मैं ब्रिटिश को भारत से निकाल कर दम लूंगा, भले ही इसके लिए मुझे हथियार क्यों ना उठाना पड़े। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब पूरी दुनिया ने कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा की नीति ने देश को आजादी दिला दी, लेकिन यह आधा सत्य ही रहा, क्योंकि जब नेताजी की सेना INA पर ट्रायल शुरू किए गए तब पूरे भारत के सिपाहियों ने मिलकर आंदोलन कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के पीछे एकमात्र कारण ये था कि सारे सैनिकों ने इन आंदोलन को खत्म करने या कुचलने में ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की। अंग्रेज भारत में राज ही इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि भारत के सिपाही उनकी मदद कर रहे थे। INA पर ट्रायल शुरू होने के बाद जब पुलिस और सिपाहियों ने खुद ही अंग्रेजों को धक्का देना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों को भारत पर कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें आने लगी। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का कहना था कि भारत को आजादी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना INA ने दिलाई थी, न कि महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट ने। उन्होंने ये बात 1956 के बंगाल के दौरे पर वेस्ट बंगाल के गवर्नर जस्टिस PB चक्रवर्ती से कही थी। उनका कहना था कि नेताजी की मिलिट्री एक्टिविटीज के कारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड नेवी के बीच ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में पैनिक हो गए थे और उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। नेताजी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई की तस्वीर में असली रंग तब भरे जब उन्होंने भारत छोड़ा और खुद आजाद हिंद फौज को तैयार किया। नेताजी के तैयार किए गए चंद सिपाहियों की वीरता और बलिदान ने पूरे भारत के सिपाहियों के दिल में देश प्रेम की लहर जगा दी। INA का ट्रायल्स एक ऐसा तूफान बना जिसकी चपेट में अंग्रेजी सरकार इस कदर फंसी कि उन्हें भारत को अलविदा कहना पड़ा। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर अंग्रेजों के बीच में बहुत था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। 1897 वो वक्त था जब भारत ब्रिटिशर्स के राज तले दबा जा रहा था। दिन पर दिन लोगों का पेशेंस और कंडीशन दम तोड़ रहा था, और इसी बीच भारत में फेमाइन का दौर भी देखने को मिला। इस फेमाइन के चलते करीब 69.5 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और लाखों लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को भारत या यहाँ के लोगों की कंडीशन से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। इसी साल भारत में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो इन अंग्रेजों को इनकी सही जगह दिखाने में कामयाब रहे। 23 जनवरी 1897 वो दिन था जब कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली फैमिली में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक बड़े लॉयर थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, और इनकी माँ एक गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस का परिवार उस समय एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में काउंट होता था, जिस कारण उन्होंने अपने घर में कभी गरीबी नहीं देखी। इन्हें मिलाकर इनके घर में कुल 14 बच्चे थे, लेकिन सभी आपस में खुशी खुशी रहते थे। नेताजी बचपन से ही पढ़ने की इच्छा रखते थे, जिस कारण जब 5 साल की उम्र में इनका प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में एडमिशन हुआ तो एक खुशी से झूम उठे। लेकिन स्कूल में इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ अधिकतर लोग यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस थे। साथ ही स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज बोलने और सीखने पर जोर दिया जाता था, वहाँ भारत की भाषा या इतिहास को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था, जिस कारण इतनी कम उम्र में भी बोस को ये बात खल गई। हालांकि 12 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस को रेवनशॉ कॉलेजिएट कॉलेज में डाल दिया गया, जहां भारतीय भाषाएं भी सिखाई जाती थी। काफी कम उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस ने रामकृष्ण परमहंसा और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों का लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर इन लोगों का इतना असर पड़ा कि इन्होंने ठान लिया था कि इन्हें केवल समाज सेवा करने में ही अपनी जिंदगी निकालनी है। स्कूलिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ भी पढ़ाई में काफी सफलता हासिल की। इन दिनों ही सुभाष चंद्र बोस का इस कॉलेज के एक प्रोफेसर से भारतीय लड़कों को बिना बात के मारने के कारण झगड़ा हो गया, और सुभाष चंद्र बोस ने गुस्से में प्रोफेसर पर हाथ उठा दिया, जिस कारण उन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया।
सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी शामिल थे, जो बहुत से ब्रिटिश प्रोफेसर्स को ठीक नहीं लगता था। सुभाष चंद्र बोस का एक्सपल्शन 20th जुलाई 1917 तक कायम रहा, लेकिन फैमिली कनेक्शंस के कारण नेताजी को फाइनली स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ग्रेजुएशन के बाद इनके पिता ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया, जिससे ये इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर एक अच्छे रैंक के ऑफिसर बन सके। हालांकि सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करे, पर पिता का मान रखते हुए सितंबर 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया और इंडियन सिविल सर्विस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर फोर्थ पोजीशन गेन किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ अपने प्रोबेशन पीरियड पर थे, तब उन्हें भारत में नेशनलिस्ट टर्मोइल्स के कई इंसिडेंट सुनने को मिलने लगे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने फौरन अपनी जॉब को ठुकरा कर अपने देश का रुख कर लिया। सुभाष चंद्र बोस के इस डिसीजन से इनके पिता काफी नाराज थे, पर इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस इनका हमेशा साथ देते थे। सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल करियर काफी कम उम्र से ही शुरू हो गया था। उनकी माँ इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी ज्यादा प्रभावित थी और खुद नेताजी भी इससे जुड़कर देश को आजाद कराने के लिए तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने 1921 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। भारत पहुंचने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को पहचाना और एडवाइस दी कि वो बंगाल के फ्रीडम फाइटर चितरंजन दास के अंडर काम करे। इसी साल सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही महात्मा गांधी की लीडरशिप में असहयोग आंदोलन में एक्टिवली भाग लिया। अपने डेडिकेशन और देश प्रेम में वो इतने समर्पित हो गए कि वो तेजी से कांग्रेस में जाने जाने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के एडवाइस पर बंगाल कांग्रेस का एक हिस्सा बन खुद को एक कमाल के यूथ एजुकेटर, जर्नलिस्ट और बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर्स के कमांडमेंट के तौर पर उभरा। ये वही समय था जब सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज न्यूज़पेपर की शुरुआत की और अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखना शुरू कर दिया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस को इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी इलेक्ट किया गया। साथ ही इन्हें फॉरवर्ड नाम के न्यूज़पेपर का एडिटर भी बना दिया गया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने देशवासियों से शांति और अहिंसा की अपील की थी, लेकिन देश में इस आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने अत्याचार बढ़ाया, तब भारत के कई वीर सपूतों ने उनका जवाब दिया। इसी दौरान चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें भारतीयों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस बात से खफा होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस बात से काफी कांग्रेसी नाराज थे, लेकिन नेताजी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना काफी जरूरी है। हालांकि इसके बाद नेताजी को 1924 में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लगातार नेशनलिज्म को लेकर बयानबाजी और न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स ब्रिटिशर्स को कुछ रास नहीं आ रहे थे, जिस कारण इसी साल कलकत्ता में एक प्रोटेस्ट को लीड करते समय ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को बर्मा के जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डाउट था कि सुभाष चंद्र बोस का सीक्रेट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ कनेक्शंस है। इस जेल में ही सुभाष चंद्र बोस को टीबी की बीमारी ने जकड़ लिया था। हालांकि 1927 में इन्हें जेल से छोड़ दिया गया, जिसके बाद बंगाल वापसी पर इन्हें बंगाल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। इस समय तक चितरंजन दास की मौत हो चुकी थी और कांग्रेस में दो चेहरे काफी पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। वक्त के साथ दोनों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज की कमान संभाली, जहां दोनों ने साथ मिलकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत की आजादी के लिए काम किया। इसी वक्त कांग्रेस में गांधी जी का सम्मान और बढ़ गया, हर कोई उनकी बातों को फॉलो करने लगा और इसी वक्त 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत भी हुई। नेताजी की लोकप्रियता इस वक्त तक इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें 1930 में कलकत्ता के मेयर के रूप में चुना गया था। इसी साल नेताजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में समय बिताने के वक्त उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीय कैदियों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। इसके बाद वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और ज्यादा डेडिकेटेड हो गए। 1931 तक जेल में उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई। बिगड़ती हेल्थ के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वो रिहा होते ही फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए।
हालांकि इसके बाद नेताजी बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गए। जेल जाने और आने का दौर चलता रहा, पर एक वक्त ऐसा आया कि सुभाष चंद्र बोस को जेल से इनके टीबी के इलाज के लिए यूरोप जाने की परमिशन मिल गई। यूरोप में इन्होंने कई बड़े लीडर्स से मुलाकात की, जिसमें बेनिटो मुसोलिनी भी शामिल थे। इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पहली किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी लिखा। 1936 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत वापसी की और एक साल और जेल में बिताया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और दोनों का मकसद भी भारत की आजादी ही था। लेकिन यहाँ दोनों के बीच मतभेद केवल काम करने के तरीकों को लेकर था। एक तरफ जहाँ गांधी जी बिना किसी वायलेंस के आजादी का स्वाद चखना चाहते थे, तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी के लिए कुछ भी करना जायज है। जहाँ गांधी का मानना था कि खून खराबे के बिना आजादी ली जा सकती है, तो वही सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे लगाते थे। सुभाष चंद्र बोस एक गरम दल के छवि में तेजी से ढलते जा रहे थे, जिस कारण गांधी जी को दिन पर दिन सुभाष चंद्र बोस के इंडिपेंडेंस आइडिया से परेशानी होने लगी थी। पर इस समय तक सुभाष चंद्र बोस की पब्लिक में पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, जिस कारण हर कोई सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के साथ साथ सपोर्ट करता था। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों में खटास वैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन से आई। जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो गए, गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीते, जिस कारण उन्होंने अपनी ओर से पत्ता भी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि इलेक्शन के रिजल्ट आने पर सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए और गांधी जी के कैंडिडेट हार गए। गांधी जी एक तो पहले ही सुभाष चंद्र बोस की जीत से कुछ खास खुश नहीं थे, ऊपर से इलेक्शन जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, जिसमें ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया। नेताजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी गांधी जी के इकोनॉमिक थॉट से एकदम अलग थी, जिस कारण गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करना एकदम बंद कर दिया, जिस कारण ना चाहते हुए भी नेताजी को 29 अप्रैल 1939 को अपने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन देना पड़ा। कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद नेताजी को समझ आ गया था कि वो अब गांधी जी के साथ और काम नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जो सुभाष चंद्र बोस के इंडिपेंडेंस आइडियाज पर काम करती थी। इस पार्टी में मेनली गरम दल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, खासकर साउथ इंडिया के लीडर्स ने, जिसमें खासकर उकीरा पंडी मुथुरा मलिंगा थेवर शामिल थे, जो तमिलनाडु के एक बड़े लीडर थे। सभी बड़े लीडर्स ने मिलकर काफी सपोर्ट दिखाया और कांग्रेस को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट किए, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने 1940 में एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। लेकिन इस बार सुभाष चंद्र बोस ने जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जेल से रिहा कर हाउस अरेस्ट में डाल दिया, जहां ब्रिटिश हुकूमत में काम करने वाले पुलिस ऑफिशियल्स ने उन पर दिन रात नजर रखनी शुरू कर दी। पर नेताजी अपना भेष बदलकर हाउस अरेस्ट से भागने में सफल रहे। हालांकि नेताजी का यहां से भागना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने अरेस्ट के दौरान ब्रिटिश गार्ड से मिलना बंद कर दिया। उन्होंने खबर भिजवाई कि वो कुछ टाइम सॉल्टिट्यूड में बिताना चाहते हैं। ब्रिटिश गार्ड्स को इस बात से काफी राहत मिली, लेकिन सच तो ये था कि इस दौरान नेताजी अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ा रहे थे, जिससे कि वो यहां से भाग सके। फाइनली 17 जनवरी की रात को नेताजी अपने भतीजे सिसिर बोस के साथ पठानी सूट पहनकर अपने घर से निकल गए। ये लिबास और रूप लेना नेताजी के लिए काफी जरूरी था, जिससे कि वो पहचान में ना आ सके और जब वो अफगानिस्तान में एंटर करे तो वो उन्हीं लोगों की तरह दिखे। नेताजी का प्लान था कि वो अफगानिस्तान और मॉस्को को पार करते हुए जर्मनी पहुंच जाएंगे और हिटलर की मदद से ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल इसके बाद नेताजी धनबाद से लगे एक रेलवे स्टेशन गमोह से कालका मेल ट्रेन लेकर पेशावर की तरफ निकल गए। पेशावर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था, इसलिए उनकी यहां से अफगान की जर्नी शुरू होने वाली थी। उनके कुछ अफगानी साथी यहां ऑलरेडी मौजूद थे। पेशावर से अफगान पहुंचना नेताजी के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि भले ही नेताजी एक पठान की तरह दिखते थे, लेकिन उन्हें उनकी भाषा पश्तो एक लफ्ज भी नहीं आती थी। इसीलिए उन्होंने अफगान सफर के दौरान एक गूंगे बहरे पठान का किरदार अपनाया और किसी तरह से अफगान को पार करके ब्रिटिश की नजरों से बचकर निकल गए।
इस दौरान नेताजी ने पठानी रूप अपनाया था और जियाउद्दीन नाम से अफगान में ट्रैवल किया। इसके बाद अफगानिस्तान के रास्ते मॉस्को आने के लिए भी उन्होंने एक इटालियन आदमी का भेष बनाया और नकली पासपोर्ट का सहारा लेकर मॉस्को पहुंचे। मॉस्को आने के लिए उन्होंने एक नए नाम काउंट ऑरलैंडो माज़ोटा का इस्तेमाल किया, जिससे कि रूस में उनकी एंट्री आराम से हो जाए। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत से अगर जान छुड़ानी है तो कुछ बड़ा करना होगा, छोटे मोटे प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। और इस समय तक उनके पास कांग्रेस और गांधी जी का साथ भी नहीं था, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने पहले सोवियत यूनियन से मदद लेने के बारे में सोचा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब तक अपने प्लान्स को सफल कर पाते, वर्ल्ड वॉर टू के चलते सोवियत यूनियन अलाइड फोर्सेस का हाथ थाम लेता है। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन शामिल थे। यानी अब सोवियत यूनियन कम से कम यूके के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेता, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने एक्सिस यानी जर्मनी, इटली और जापान में से जर्मनी से मदद मांगने का सोचा और हिटलर से मुलाकात करने जर्मनी पहुंच गए। मॉस्को के बाद रोम और फिर रोम से सफर तय करते हुए नेताजी हिटलर से मदद की उम्मीद लेकर नाजी जर्मनी में दाखिल हुए। जर्मनी पहुंचकर नेताजी एडम वॉन ट्रॉट्ज़ुसोल्स की मदद से स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया से अटैच्ड हो गए। एडम वॉन ही वो शख्स थे जो जर्मन स्पॉन्सर्ड आजाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बर्लिन में नेताजी के साथ बाकी के इंडियंस ने मिलकर जर्मन स्पॉन्सर्ड आजाद हिंद रेडियो पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। और यही वो वक्त था जब सुभाष चंद्र बोस को इंडियन लीजन और स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने मिलकर नेताजी के टाइटल से सम्मानित किया। बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर से भारतीय सेना बनाई, जो एक्सिस फोर्सेस द्वारा कब्जा किए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। इन सैनिकों को छुड़वाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले हिटलर से मिलने के लिए एक मीटिंग का प्रबंध करवाया था, जिसमें हिटलर नेताजी से मिले और उनके कमाल के एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित हुए, जिस कारण हिटलर ने नेताजी की मदद करने के लिए सभी इंडियन वॉर प्रिजनर्स को छोड़ने का फैसला लिया और नेताजी का पूरा साथ दिया। छोड़े गए सोल्जर्स की संख्या करीब 4500 के आसपास थी, यानी अच्छी खासी संख्या में अब सुभाष चंद्र बोस के पास उनका साथ देने के लिए लोग मौजूद थे। 29 मई 1942 वो दिन था जब नेताजी पहली बार हिटलर से मिले। हिटलर ने नेताजी की मदद की बात तो कही, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि हिटलर उनकी मदद से सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहा है और उनसे कोई खास मदद नहीं मिलने वाली। हिटलर की मदद भी धीरे धीरे कम होने लगी, जब 1942 से लेकर 1943 के बीच नाजी जर्मनी वॉर में हारती हुई नजर आने लगी। इस वक्त तक जापानीज फोर्सेस तेजी से ईस्ट की ओर बढ़ रही थी। सुभाष चंद्र बोस को समझ आ गया था कि अब वो ज्यादा समय जर्मनी में नहीं रह सकते और यहाँ रहने से उनका कोई फायदा नहीं, जिस कारण 1943 में ही नेताजी जापान की ओर निकल पड़े उनसे मदद मांगने। अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को छोड़कर नेताजी अब जापान की तरफ रुख करने वाले थे। उन्हें बर्लिन से सुमात्रा पहुंचने में पूरे 3 महीने का समय लगा था और इस 3 महीने का सफर पल पल खतरे से भरा था। इस जर्नी के दौरान नेताजी और उनके साथी 2 जर्मन सबमरीन्स U-180 में सवार थे। इस जर्नी के दौरान नेताजी और उनकी टीम पूरे दिन पानी में सबमर्ज रहती और सिर्फ रात में ट्रैवल किया करती थी। इसी दौरान एक बार उनकी एक सबमरीन अटलांटिक ओशन को पार करती हुई दुश्मन के रेडार में आ गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी सबमरीन को इस बात का पता चल गया और जैसे ही दुश्मन वॉरशिप उनकी तरफ बढ़े, वैसे ही नेताजी की सबमरीन ने डुबकी लगा दी और कुछ यार्ड्स की दूरी से दुर्घटना होने से बच गई। इस तरह की स्लो जर्नी के बाद फाइनली नेताजी मेडागास्कर से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने के बाद एक जापानी सबमरीन I-29 में बैठकर सिंगापुर पहुंचे, जो कि उन दिनों जापान की कॉलोनी थी। सिंगापुर में थोड़े समय रुकने के बाद जापान के लिए रवाना हो गए और फाइनली नेताजी 11 मई 1943 को टोक्यो पहुंचे। वहां उन्होंने कई सारे रेडियो ब्रॉडकास्ट किए और भारतीयों से अपनी इंडिपेंडेंस की बैटल में जुड़ने की अपील की और 4 जुलाई से ईस्ट एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया, जहां सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर में जापान की मदद से 40,000 ट्रूप्स की आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया। 40,000 ट्रूप्स की इस आर्मी को ही आप INA या इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था।
इस आर्मी को सबसे पहले बनाने का क्रेडिट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में रह रहे इंडियंस को जाता है, जिसमें खासकर राजबहरी बोस थे, जो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और अपने देश से भागकर कई वर्षों से जापान में रह रहे थे और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। दरअसल जब जापान ने ब्रिटिश आर्मीज को हराकर ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कब्जा कर लिया था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, ने INA को ऑर्गेनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 1943 में नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालते हैं और इसके सुप्रीम कमांडर बनते हैं और यांगोन एंड सिंगापुर में INA हेडक्वार्टर्स को स्थापित करते हैं। इसके बाद नेताजी आजाद हिंद फौज पर पूरी तरह से काम करने में लग गए थे और इन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया और जापानीज ऑक्यूपाइड अंडमान गए और वहां भारत का झंडा फहराया। इस वक्त तक नेताजी ने INA को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, उन्हें हर तरह से लड़ने और अपने देश को आजाद करने के तरीके को समझाया। साथ ही यही वो वक्त था जब नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया था और INA के हर एक फौजी के मन में अपने देश को हर हाल में आजाद करने का जज्बा भर दिया था। अपने आइडिया को और आगे बढ़ाते हुए नेताजी ने डिसाइड किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते। अर्ली 1944 में आजाद हिंद फौज की 3 यूनिट्स ने मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स पर अटैक करके अंग्रेजों को भारत से जड़ से उखाड़ फेंक देने की कसम खा ली। इस दौरान INA का अपने देश के प्रति ऐसा प्यार छलका कि INA के फौजियों ने जैसे ही भारत में एंट्री ली, वो लोग अपनी जमीन, अपनी धरती माँ के सामने लेट गए और अपनी जमीन को चूमने लगे। आजाद हिंद फौज ने ऑपरेशन यू गो में जापानीज आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ाई की थी। हालांकि INA को ऑपरेशन के शुरुआती चरणों में सफलता जरूर मिली, लेकिन इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई, जो 4 अप्रैल 1944 को लड़ी गई थी, इस दौरान INA और जापान को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में जापान और INA को सम्मिलित रूप से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस वक्त भी INA हार नहीं मानती, लेकिन उनके सारे सप्लाई चेन काटे जा चुके थे। ऊपर से होती बारिश और जंगलों में छुपकर युद्ध करने से INA के सोल्जर्स काफी थक चुके थे। एक तरफ ब्रिटिश की माइटी सेना, उनके एडवांस वेपन्स, एयरक्राफ्ट थे और दूसरी तरफ थकी भूखी कैदियों की सेना, जो कि अपनी गन से लड़ रही थी, वो सिर्फ अपने आत्मबल के सहारे और कितनी देर तक टिक पाते। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में INA को हथियार डालने पड़े। इसके बाद जापानीज ने उनके कई सोल्जर्स विंग्स को डिसबैंड कर दिया ताकि बचे हुए खाने पीने के सामान पर जापानीज सैनिकों का कब्जा हो जाए। हालांकि नेताजी को विश्वास था कि आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़कर उनकी जड़ों को कमजोर कर सकती है और हुआ भी ऐसा ही। भले ही सुभाष चंद्र बोस की आर्मी जीत ना पाई हो, लेकिन इनके इस अटेम्प्ट ने भारत के हर एक यूथ के दिलो दिमाग में अपने देश को आजाद करने का ऐसा जुनून पैदा किया कि उन्होंने सामने से अंग्रेजों को चुनौती देनी शुरू कर दी। इवन वीर भगत सिंह भी उन्हीं कुछ यंगस्टर्स में से एक थे, जो सुभाष चंद्र बोस के भाषणों और उनके देश के प्रति प्यार को देखकर उनसे इंस्पायर हुए। आजाद हिंद फौज के दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों ने भारत के जवानों में दम भर दिया और उन्होंने जगह जगह प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर पूरे देश में अपने देश को आजाद करने की एक लहर दौड़ गई, जिसका क्रेडिट नेताजी के हिस्से जाता ही जाता है। INA में एक अनोखी चीज ये भी देखी गई कि नेताजी ने अपनी आर्मी में महिलाओं की भी एक रेजिमेंट को बनवाया। इस रेजिमेंट को कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा कमांड किया जाता था एंड इस रेजिमेंट का नाम भी रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। सुभाष चंद्र बोस न किसी धर्म में भेद करते थे, न ही जात पात में, वो तो बस समाज सेवा में ही अपना विश्वास रखते थे और शायद इसलिए जिन्ना जैसे इंसान ने भी नेताजी को आजाद भारत के पहले PM के रूप में स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। वैसे INA के हारने के साथ ही World War II में जापान की हालत भी खस्ता होती नजर आ रही थी और तभी जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने World War II में पार्टिसिपेट कर एलाइड पावर्स का हाथ थाम लिया और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दुश्मनी का अंत जापान के हिरोशिमा और नागासाकी आइलैंड पर न्यूक्लियर अटैक के साथ हुआ, जिसमें जापान बुरी तरह से टूट गया, जिसके बाद जापान ने अपने सरेंडर का ऐलान कर दिया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद INA को भी अपनी एक्टिविटीज पर रोक लगानी पड़ी, जिस कारण नेताजी का अब जापान में कोई काम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया कि अब वो मंचूरिया के लिए रवाना होंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 18 अगस्त 1945 में नेताजी ने ताइपे ताइवान से एक प्लेन में अपना आखिरी सफर तय किया। आखिरी क्योंकि इससे पहले ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता, प्लेन का एक धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ और प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। क्रैश में उन्हें काफी बर्न इंजरीज हुई, जिस कारण अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने ताइवान के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। नेताजी की डेथ को लेकर हमेशा लोगों में कंट्रोवर्सीज रही। कुछ लोगों का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस कभी प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं, बल्कि वो केवल ब्रिटिश सरकार को चकमा देने का एक रास्ता था, यानी वो इस फेक प्लेन क्रैश के बहाने अपनी मौत को दिखाकर चुपचाप सीक्रेटली भारत की इंडिपेंडेंस के लिए काम करते रहे। तो वही कुछ लोग ये भी मानते रहे कि नेताजी आने वाली इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पावर्स के लिए एक थ्रेट बन गए थे, जिस कारण उनका असैसिनेशन करवा दिया गया था। वही कुछ लोग अपनी थ्योरी बनाते हुए बताते हैं कि नेताजी को कैप्टिविटी में रखा गया, जिसके पीछे सोवियत यूनियन या जापान सरकार का हाथ था और उन्हें कभी इस कैद से रिहा नहीं किया गया। इसके अलावा लोग इन्हें गुमनामी बाबा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस अब गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने लगे हैं। देखा जाए तो यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नेताजी की मौत के साथ जुड़ी हैं। हर कोई उनकी मौत को लेकर एक अपनी कहानी बनाए बैठा है, लेकिन किसी को इन सभी थ्योरीज की असलियत का कुछ पता नहीं। इस कारण कभी कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर दावा कर ही नहीं पाया। कुल मिलाकर लोग नेताजी की मौत को स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। नेताजी भले ही भारत की आजादी को नहीं देख पाए, लेकिन आजाद भारत के हर एक आजाद व्यक्ति के दिल में नेताजी के लिए सम्मान और प्यार हमेशा रहा। देश के लिए लड़ते लड़ते नेताजी खुद तो गुमनामियों के अंधेरे में गुम गए, लेकिन आजादी की जो मशाल उन्होंने जलाई, उसकी लौ ने पूरे भारत में एक ऐसी आग लगाई जिसकी लपटों में ब्रिटिश साम्राज्य आ गया। नेताजी की INA पर जब ब्रिटिश सरकार ने ट्रायल शुरू किया तो पूरे भारत के सिपाहियों ने मिलकर आंदोलन कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के पीछे एकमात्र कारण ये था कि सारे सैनिकों ने इन आंदोलन को खत्म करने या कुचलने में ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की। ब्रिटिश भारत में रूल ही सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास यहाँ का सैन्य बल मौजूद था, लेकिन नेताजी के तैयार किए गए चंद सिपाहियों की वीरता और बलिदान ने पूरे भारत के सिपाहियों के दिल में देश प्रेम की लहर जगा दी। इस ट्रायल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई हजार सिपाहियों ने INA को अपना समर्थन दिया और उनके ट्रायल्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। देखते ही देखते पूरे देश के लोगों में ये बात फैल गई कि ब्रिटिश हमारे देश के सैनिकों को किसी भी झूठे आरोप में फंसाकर टॉर्चर कर रहे हैं। बस इसके बाद क्या था, पूरे देश के लोग जहां तहां आंदोलन करने लगे और INA के सिपाहियों को पूरे देश से सिंपथी मिलने लगी। देखते ही देखते कांग्रेस ने INA डिफेंस समिति को बनाया और इसमें उस वक्त देश के टॉप लॉयर्स ने INA का केस डिफेंड करने की पेशकश की। इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर और कैलाश नाथ काटजू जैसे बड़े लीडर्स और लॉयर्स शामिल थे। INA ट्रायल्स या फिर कहे रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945-46 में एक ऐसा तूफान बना जिसकी चपेट में अंग्रेजी सरकार इस कदर फंसी कि उन्हें भारत को अलविदा कहना पड़ा। इस दौरान भारत के कई हिस्सों में नेवी म्यूटिनी हुई। चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे और कराची तक के लोग इस ट्रायल के अगेंस्ट आ खड़े हुए थे। दरअसल जब ब्रिटिश विश्व युद्ध से बाहर निकले तब उन्होंने INA के कई सोल्जर्स पर कोर्ट मार्शल कर दिया, उन पर अलग अलग केस फाइल किए और झूठे आरोपों में फंसाया गया। अंग्रेजों का ये भी कहना था कि विश्व युद्ध के दौरान कई सारे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने भी INA ज्वाइन कर लिया था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के साथ गद्दारी थी। इस पर पूरे भारत के लोग और सोल्जर्स उनके खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि इन सिपाहियों को सजा देकर वो भारत में एक मिसाल पैदा कर देंगे, जिससे कि आगे की भविष्य में कोई ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी उनके अगेंस्ट ही काम कर गई। इस ट्रायल के दौरान पूरा भारत INA के सोल्जर्स के साथ सिंपथाइज करने लगा। भारत के लोग INA ज्वाइन करने लगे। जहां तहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए, कई जगह पर राइट्स हुए और अंग्रेजी अफसरों को भगाया जाने लगा।
इस ट्रायल में भारत के तीन बड़े सिपाही कैप्टन शाहनवाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों का नाम शामिल था। इनमें से एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरे ऑफिसर हिंदू थे, जिसकी वजह से पूरा भारत ही एकजुट होकर इनके साथ आ खड़ा हुआ। जिस ट्रायल को अंग्रेज अपनी जीत मान रहे थे, वही ट्रायल अब उनकी जान का दुश्मन बन गया था। आईएनए ऑफिसर्स के साथ जब कांग्रेस आईएनए डिफेंडिंग कमेटी भी आ खड़ी हुई, तब देश में पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी ब्लर हो गए और पूरा देश एकजुट होकर इनके साथ आ खड़ा हुआ। इतने बड़े और यूनिफाइड लेवल पर हुए आंदोलन से ब्रिटिशर्स घबरा उठे। कहने को तो अब नेताजी किसी भी अखबार की सुर्खियों में नहीं रहे, ना ही किसी संगठन का निर्माण किया जिससे कि भारत को आजादी मिल जाए, लेकिन उनकी बनाई सेना और सोच ने भारत में ब्रिटिश की जड़ें हिला दी और जल्दी ही भारत को 1947 में अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिल गई।